everyone. Now I am going to teach you one another topic of principle and practices of management, that is 7M of management. Management में 7M का क्या रोल है? तो उसमें 7M में सबसे पहले M क्या आता है? Man. In management, man is referred as human resource of an organization. They have to retain the talent within the organization. Management में man को हम एक ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का कहा गया है. ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन, मतलब इंसान को हम एक सोर्स के रूप में यूज करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. दे हैव टू रिटेन द टैलेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब हमको क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स पर्सन को क्या करना, रिटेन करना, बचाना किसी टैलेंट, जो स्किल्स है हर पर्सन के पास, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट स्किल्स है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट पर्सन, उनको हमको बचा के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रखना है. दूसरा पॉइंट है मनी. मनी इज रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल्स इन ऑर्डर टू मेक डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पैसा हमारे जरूरत पड़ता है हमारे हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अपनी डेली जरूरत को पूरा करने के लिए. डेली जरूरत को पूरे करने का मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के डेली एक्सपेंसेस है, जिसमें पार्टीज पेमेंट हो गए, हमको कोई मटेरियल चाहिए, हमको कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, कुछ बड़ा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, उन सब के लिए जो चाहिए उसके लिए हमें पैसे की जरूरत हो. और इसी का मतलब होता है कि डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है. तीसरा है मटेरियल. It is considered as basic ingredient of management which includes products and services. Material क्या है? Material means raw माल, कच्चा सामान. तो ये एक बहुत मूलभूत साधन है किसी भी organization में या किसी भी management प्रक्रिया का, जो हमारे जो हमें मदद करता है कच्चे माल को एक finished product बनाने में. और इस finished products को हम क्या करते हैं, market में बेचते हैं. इसका मतलब है 7M of management में अभी हमने तीन पढ़ा, मैन, मनी एंड मटेरियल. तो मैन क्या कहता है कि मैन ये कहता है कि हम इंसान जो एक मानव संसाधन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए और उस टैलेंट को रिटेन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. पैसा वो मूलभूत साधन है जो हमारे डेली की जरूरत को किसी भी कंपनी में रन करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी होता है. तीसरा मटेरियल. मटेरियल वो कच्चा माल है जो संसार, जिसके बिना हम ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही चीज़ है, वही सामान है जो कच्चे माल को हम तैयार करते अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और भी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करके, और उससे हम एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसको कि हम मार्केट में बेचते हैं. आई होप 7M ऑफ मैनेजमेंट में आपको मैन, मनी एंड मटेरियल ये तीनों चीज़ समझ में आई होगी. बाकी के जो 4M है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. आई होप आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा है. अगर क्लासेस समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे मटेरियल्स ला के दूँ. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ थी, कल मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि UGC नेट का पेपर 1 का, वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस. तो उस मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली हमें 5 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस पढ़ना. तो मैं उसमें से ट्राई करूँगी 1 या 2 मॉडल जो कि हर बार हमारे UGC नेट के एग्ज़ाम में आते हैं, उनको मैं आपको ला के दूँ. थैंक यू सो मच.